और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। अभी हम लोगों ने रामकृष्ण बजरंगी फिल्म का डबिंग पूरा किया यहीं पे, और कुछ दिन पहले ही हम लोग यहाँ पे इसी स्टूडियो में सैया थानेदार का डबिंग पूरा किया था। फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रामकृष्ण बजरंगी, काफी भोजपुरी के कई कलाकार इसमें नजर आने वाले हैं, तो फिल्म के बारे में बताइए। फिल्म के बारे में यही कहेंगे कि एक लीक से हटकर फिल्म है, थोड़ा सा पौराणिक टाइप का है, देवी देवताओं पे थोड़ा सा आधारित है। एक टाइम पे जाके एक ऐसा ट्विस्ट आता है जैसे इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक, नरक लोक, सतयुग, जैसे मतलब अचानक से स्टोरी चेंज होती है। और इस फिल्म में कुछ ऐसे किरदारों की एंट्री होती है जो सब कुछ चेंज करके रख देते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पब्लिक हमारी, हमारे दर्शक सिनेमा हॉल में जाएंगे तो उनको पता चलेगा। जैसे कि आपने कहा कि पौराणिक कथाओं को लेकर फिल्म बनाई है, भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह की कहानी? पौराणिक कथाएं नहीं है, कहानी आज की ही है, लेकिन कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको पौराणिक कथाओं से भी ले जाके जोड़ देंगे, हमने ये कहा। फिल्म के किरदार के बारे में बताएंगे कुछ, कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म में काम करने का? फिल्म में काम करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार मैं इस फिल्म से ही इश्तियाक से बंटी जी के निर्देशन में हमने काम किया, और फिर बाद में हम लोगों ने उसके बाद सैया थानेदार किया इसी फिल्म के बाद, और फिर अभी आगे बहुत सारी फिल्में हम लोग साथ में कर रहे हैं। बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है हम लोगों की, तो मुलाकात इसी फिल्म से हमारी इश्तियाक से बंटी जी से हुई है। प्रोड्यूसर इसकी इला पांडे जी हैं, बहुत ही अच्छी लेडी हैं, और एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, एक बहुत अच्छा फिल्म बनाने में हम लोगों का जितना होना चाहिए योगदान उनका उन्होंने किया। आपके हिसाब से फिल्म का यूएसपी क्या होगा? गाना होगा, फिल्म की कहानी होगी, एक्शन? हमारा सुनी रघुआ साहब, हमारा से सवाल अगर हिंदी में पूछा जाए तो जवाब हिंदी में पाया जाता। हमारी रिक्वेस्ट बा कि हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करें नहीं जाए, तो सवाल भोजपुरी में पूछी जाए तब जवाब भी भोजपुरी में हुआ सबके दे। चला हम कोशिश करत भाई का कहब आपने किरदार के बारे में, का कहब रितेश जी? आप किरदार एगो गांव के लड़का के बाटे जवन भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखेला, बहुत ही ज़्यादा एगो आस्तिक लड़का के कहानी बा, जौन सब कुछ भगवान के निर्देशन में जैसन जैसन पुराण में, वेद में, रामायण में, गीता में लिखल बा, वही के अनुसार अपन जीवन यापन करता। लेकिन यह कलयुग में सत्य के बहुत परेशान होके के पड़ेला, वह परेशानी से वो लड़का जूझता, फिर लास्ट में भगवान पे उंगली उठावता कि रोए सब लिख के गई बने जाए सब, तो कैसे 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 फिर भगवान लोग ओकर मदद करता रहे वो लड़का की, और जब जैसन हो तवल बा आज तक के संसार में कि लास्ट में सत्य के ही जीत होला, वैसे ही यह कहानी के भी एगो समाज में उपदेश बा कि हमेशा सत्य के ही जीत होला। कभी ऐसा जिंदगी में ऐसा भल बा कि आप मुश्किल में फसल पाएं और भगवान आपका मदद करे? हम में तुम में खड़क खम में कणकण व्यापत रहा, ये संसार में मनुष्य विज्ञान के जरिए बहुत तरक्की कर ले बा, लेकिन ये संसार में आज भी ऐसा बहुत सारा चीज बा जौन ईश्वर के बिना ना हो सकेला, मनुष्य कल्पना ही मात्र कर सकेला, जैसे कि हमनी के हवा ना पैदा कर सकेला। हवा कहाँ से आवेला? ये सब ईश्वर के ही देना, तो हमारे ईश्वर पे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर एक ही है, बस ईश्वर के नाम अलग अलग बा, तो ईश्वर पर हमार बहुत बहुत आस्था बा, और जब भी हम संकट में पड़ल बानी ईश्वर हमार मदद कैले बाड़ा। फिल्म के पूरी टीम के बारे में कुछ कह चाहबा? हाँ, इश्तियाक शेख बंटी जी डायरेक्टर, इला पांडे जी प्रोड्यूसर, हेमंत भाई DOP, और हमारे कलाकार जो साथी हैं राकेश मिश्रा जी, अविनाश शाही जी, प्रिंस सिंह राजपूत जी, इम्तियाज भाई, और मैं आप लोगों का छोटा भाई, सब लोग, और अमृता पांडे जी,
बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में थे जो